सभी गुड इवनिंग। कल जो टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिए थे 10th क्लास को, उसके हर लय जो आप मिलान कर लीजिए, कितने सी हुए ये बताओगे आप, कितने आप क्वेश्चन मांगे थे। तो पहला क्वेश्चन था 54 × 56 को निचले विधि से गुणा कीजिए। तो निचले विधि से गुणा कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं संख्या, विचलन संख्या 54 हो गई, विचलन क्या है ज़्यादा है, तो 4 के आधार क्या मानोगे इसका 10 के पास, उपाधार का अर्थ क्या हो गया 50 से बड़ी है, तो उपाधार 50, अंक हो गया 50, 10 का कितना गुणा है आधार का और उपाधार अंक हो गया, तो 50 से कितना ज़्यादा 4, ये 56 ज़्यादा, प्लस में आ जाएंगे, कम होते हैं माइनस में आ जाते हैं। बाण क्या करते हैं, विचलनों का गुणनफल 4 को 6 से गुणा किया 24, बाण क्या करते हैं संख्या प्लस विचलन 54 6 60, ऐसे जोड़ लो 60 आएंगे, और इसमें उपाधार अंक है तो उपाधार को इंटू से गुणा कर दिया जाता है, जितना उपाधार आता है, तो 24 का 24, 54 6 60, और जो 60 में 5 गुणा करेंगे 300, और इसके बाद हमें 24 आधार 10 है तो 10 लेंगे, 4 का 4 2 अगले में जोड़ देंगे 302, इसके उत्तर कितना आ देंगे 3024। उत्तर मिलान करने के लिए एक बार आप 54 को 56 से भी गुणा कर सकते हैं, जैसे इसको गुणा कर दिया तो ऐसे भी गुणा करके आप उत्तर इसके चेक कर सकते हैं, तो अभी उतने उत्तर आएंगे तो आपको अंदाज़ा कि हमारा सही है। अब इसके अंदर अगला क्वेश्चन लिया 46 × 99, तो 46 एक न्यूनियन का अर्थ होता है ये चर लागत 9-9 होता है उसमें लागू होती है, तो 46 में से कितने घटाना है, एक घटाना है, जितने घटाने उत्तर आएंगे और 99 में से घटाने, 45 गए 54 बचे, 9 में से 5 4, 9 में 4 5, 45 54 का 54, 45 का 45, ऐसे दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ 3994 भाग 97 में, और उसको निखले विधि से आपको भाग ज्ञात करना था। निखले विधि में क्या करेंगे, तीन खंड बनाएंगे, पहले दौजांक हो चाहे निखले हो, पैर सेकेंड और थर्ड, तो इनके अंदर हमने संख्या ली, संख्या 97 आधार 100 हो गया तो विचलन कितना हो गया, कम रहेगा उतना विचलन लिखेंगे, तो 03 और बान आधार में 20 है, तो यहाँ से 2 संख्या उठाएंगे, तीसरे खंड में जो बच गई वो उसमें आ जाएगी 39। अब एक एक संख्या उतारनी है, 3 को 1 से उतारा तो 3 को 3, अब 3 को 03 से गुणा करना है, 03 से गुणा करेंगे 09, तो 0 अगर 09 का 9, एक संख्या तो एक संख्या है कि एक अगले खंड में चली जाएगी, अब इसके अंदर 9 उतारोगे 9 में 0, 9 को 3 से गुणा करोगे तो 27 आ जाएंगे, 2 और 7 डबल संख्या हो गई, अब 7 4 11, 9 18, 18 2 20 लेके 21। अब ये जो संख्या आ रही है शेषफल, ये इनसे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तो ये बड़ी हो गई, 211 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो आपको 97 में 211 भाग देना है, तो 97 में 211 का भाग आप सिंपल तरीके से भाग देते वैसे दे दोगे, कितनी बार जाएगा, तो ये 2 बार जा रहा है इसके अंदर, तो जो भाग फलाएगा तो इसमें जोड़ दोगे और शेष फलाएगा इसके अंदर ही, जो आपके पास जितना घटाना है 194 वो घटा दोगे, 211 में आप घटाओगे कितने बचेंगे आपके पास 17, तो आपके पास भाग फल 41 हो गए और ये कितने हो गए शेष फल 17 हो गए। अब इसी प्रकार अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको दिया था दौजांक विधि से, तो ढंग से समझना एकदम इसको, तो दौजांक में 3 खंड बनाने हैं, पैर सेकंड थर्ड मुख्यांक दौजांक, मुख्यांक को इकाई अंक उतार दो, बच के जो अंक दौजांक में ले लो, भी उल्टी लिख ली मैंने भी, इसमें दौजांक ऊपर की तरफ लेना था उसका उल्टा लिखिए, कि इसमें यहाँ पर तो आपको लेना है दौजांक और यहाँ पर लेना है आपको मुख्यांक, दौजांक का तात्पर्य हो गया पहला इकाई अंक, बच गए मुख्यांक, इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर आप आपने दौजांक ले लिया 9, मुख्यांक 5, अब दौजांक में जितने अंक आपने लिए हैं वो उसके अंदर आप 4 उतार, एक अंक है तो एक अंक उसके अंदर लिखोगे, बच्चे अंक सब इसमें उतार दोगे, तो 5 8 7 से जितने अंक दौजांक में आएंगे उतने अंक इसके अंदर लिखोगे, यानी एक अंक लिया था दौजांक के अंदर ध्वज की तरह ऊपर लगाना घात की तरह, बच गया जो इसके अंदर लिखना है आपको। अब इनके अंदर आपको यह संख्या उतार दी, अब 5 का भाग इस 5 में जा रहा है तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है इसमें, क्योंकि 5 5 का भाग 2 से 0 आएगा, 0 की संख्या बड़ी हो गई तो आप 2 संख्या 7 में मिलाओगे, 58 में 5 का भाग दोगे तो आपको भाग कहाँ से देना है, 0 से लेके 9 तक ही देना है, तो 5 में 45 और शेष फल आपके पास 13 बचा, कैसे बचा, 58 में 5 का भाग दिया 9 बार
3, 5×4=1, इस प्रकार आपके पास 13 बच गया। अब 13 क्या रखना है पास में इस संख्या के भागफल यहाँ पर उतारना है, तो 137 हो गए, तो आपके पास नया भाज्य कितना आ गया 137। इसके बाद संशोधित भाज्य निकालना, इसका सूत्र है नया भाज्य माइनस भागफल गुणा दौजांक, तो नया भाज्य 137, भागफल 9 और दौजांक 9, 9 को 9 से गुणा किया 81, और 137 में से 81 आप बैठाओगे ना हमारे पास 56 बचेंगे, और जो 56 आएंगे उसमें 5 का भाग देना है, तो आपके 56 में 5 का भाग दिया तो आपके पास कितना है 9×45 से इस पहले 11 वही कार्य करना है आपको, आपके पास जो 9 आ जाएगा और आपके पास जो शेष प्लाय है तो यहाँ उतारोगे। अब आपके पास नया बाजे कितना हो गया 116 हो गया, 116 में से 6 गुणा 9, ये आपके पास 9×9 यानी 116 में से कितनी घटाने 81 घटाने, तो 81 घटाया तो आपके पास नया बाजे 116 माइनस 9 गुणा 9 तो 35। अब 35 में किसका भाग देना है वापस 5 का भाग, और 35 में 5 का भाग दिया तो 5×30 पूरा पूरा भाग नहीं देना है, 5×30 और शेष प्लाय कितना आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 35 में से आपने 5 का भाग दिया 6 बार और 5 और 5 जो बच गया और शेष फल आ गया 5, कितना आ गया 5। जो शेष फल आ गया वो आपको कहाँ लिखना है इसके अंदर 6 यहाँ पर लिखना है 5 आके, तो नया भाज्य 54 बन गया। यहाँ आते ही आपके पास शेष फल अंतिम शेष फल के रूप में आ जाते हैं, और नया भाज्य 54 अंतिम शेष किया 54 माइनस 9 गुणा 6, 9×6=54, 54×54=0, अतः भाग फल 9 आ जाएगा और शेष फल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आपके जो अगला क्वेश्चन था सूत्र प्रावर्ती विधि द्वारा आपको हल करने थे, 2x+1/3x+4/1/3। अब 1/3 इस साइड बटा में दे रखे तो कोई बात नहीं, इसका पक्षांतरण कर देते हैं तो 1 क्या आ जाएगा नीचे और 3x+4 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास जो सेकंड सूत्र था उसकी तरह बन गया कि भाई 1 का मान 2 हो गया, इसका क्या किया हमने 1 नीचे और ये इसके, यानी इसको क्या कर दिया हमने पक्षांतरण कर दिया, या वज्र गुणा भी कर सकते हैं आप, इनको इनसे गुणा कर लो इनसे इनसे गुणा कर लो, तो आपका पहला सूत्र बन जाएगा इसमें, तो ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर 3 और डी बराबर 4, पी नीचे वाले पी कहते हैं, पी 1 और 3 हो गए। इनके बाद आपको क्या करना है कि एक सूत्र बताया था DP-BQ AQ-CP, तो DP क्या हो गया 4×1-1×3 और ए क्यू तो 2×3-3×1, 4 × 1=4, 3×3=2, 3×6=3, और 4 × 3=1, 6 × 3=3, अतः उत्तर क्या आ गया 1/3। अगला था 1/(-1)-2/(+1), इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर आपके दो पद दे रखे हो और बराबर में 0 दे रखे हो, तो यानी m/(n+a), n/(n+b)=0, m ये हो गया ये हो गया, तो m का मान 1, n का मान -2 और ए का -1 और बी का +1, ऐसे में एक सूत्र बजाते हैं हमें, देखो -mb+na/m+n, तो m का मान 1 हो गया, मान रख देंगे सभी का, मान प्रतिस्थापित किया तो m×b तो 1×1+n×a तो माइनस का 2×-1+-1-2 क्यों माइनस का था बीच में, 1 को 1 से क्या 1 माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितने हो गए 3, और यहाँ आपने -2 में से -1 घटाया तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 का -1+ हो गया, अतः इसका उत्तर कितना आ गया 3 आ गया। अगला था शून्य समय विधि जो अति महत्वपूर्ण है, 2x+4/2x+1, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए, तो उसमें दो तरीके हैं, एक तो पहले क्या करते हैं दोनों पक्षों का योग हरों का योग दोनों बराबर आना चाहिए, एक अनुपात में होना चाहिए, तो बराबर जरूर रख लेते हैं, तो पहले हमने इसमें अंशों का योग करते हैं 2×2=4, 2×2=4, 4×5=5 बराबर हो रहे हैं, इसका तात्पर्य कि हम स्क्वायर कर सकते हैं, अंशों का योग 4x+5 आ रहा है, हरों का योग 4x+1, दोनों में से एक लीजिए बराबर जीरो रखो, और 4x+5 - 5 x=-5 सेकंड क्वेश्चन था उनके जैसा ही है, किंतु इसमें आपको देखना है पहले 5 × 1 6x 3 × 2 5 कोई मेल नहीं खा रहा, तो ऐसी स्थिति में अगला जो सूत्र लगाते हैं हम शून्य समय विधि में अंश व हर का अंतर करते हैं, अंश व हर का देखो 5 × 2 = 3x और 7 × 1 = 6, दोनों में कॉमन आ रहा है अनुपात के साथ भी कॉमन निकालना, 3 का भाग जा रहा है x+2, इस साइड देखा 3 × 1 = 2, 5 × 1 = 4, इसमें कॉमन आ रहा है तो दोनों में x+2 बराबर आ रहे हैं, तो निश्चित अनुपात का तात्पर्य होता है कॉमन निकालने के बाद में ये बराबर हो जाए 1:1 में, तो x+2=0 रखा और x=-2। थर्ड क्वेश्चन लिया तो 5 में से
वो ये सही है, तो 5 में 3 से 2 बचते हैं, 3 में से 1 2 बचते हैं, 7 में 2 से 5 और माइनस ये तो बिल्कुल ही हो गए, तो इनकी डिस कर नहीं सकते। तो आप एक और तरीका और बताया था, दोनों पक्षों का संघ योग करो, बराबर होते क्या 3 रेख 4 एक्स 2 रेख 3, हारों का योग 5 3 8, 7 में से 1 6, दोनों में कॉमन निकल रहे हैं 2 4 एक्स प्लस 3, दोनों बराबर हो गए, 1 अनुपात 1 अनुपात 2 में ये विभाजित हो गया, तो 4 एक्स प्लस 3 बराबर 0 और 4 एक्स बराबर -3, x बराबर -k 3/4। इस प्रकार के अभी टेस्ट के क्वेश्चन पूरे हो गए। आज हमने प्रश्न 2 वास्तविक संख्या भी बता दी है, इसके लिए हमने आगे क्वेश्चन रखे आपके लिए कि प्रश्न 2 के टेस्ट के क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, आपको YouTube के माध्यम से दिए जा रहे हैं, उसको पूरा देखे। तो पहला क्वेश्चन दिए आपको, सिद्ध कीजिए अनुरुद्दीन एक अप्रमेय संख्या है और क्षण में 404 का एलसीएम एसएफ ज्ञात करना है, और सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अप्रमेय संख्या है। और अगले है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस प्रश्न के नाम है, वास्तविक संख्याओं को परिभाषित कीजिए कि क्या है वास्तविक परिभाषित संख्या, ये आपको उत्तर देने हैं, इसलिए इसके माध्यम से करने हैं, वीडियो को अंत तक देखना है, इसमें जो टेस्ट के क्वेश्चन है वो भी पूरे करने हैं। धन्यवाद सभी को।